हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में WBG काउंसलिंग 2024 का चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन से कॉलेज का आपको प्रेफर करना चाहिए, तो चॉइस फिलिंग स्टार्टिंग से एंड तक कैसे आपको करना है डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लॉग इन कर लेना है WBG के वेबसाइट पे। ये WBG का वेबसाइट है, इधर WBG.NIC.IN, इधर जाके आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट प्रोफाइल में आके इधर चॉइस फिलिंग में क्लिक करना है। सो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूँगा एंड देन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो सारे चॉइसेस आपको इधर दिख रहा होगा अवेलेबल चॉइसेस में। सो मैं आज मेरे एक काउंसलिंग हेल्प डेस्क स्टूडेंट का, जो मैंने बना रखा हो पहले से ही, ये है उसका चॉइस फिलिंग लिस्ट। सो इस स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था एंड उसके साथ साथ अपने घर के पास में ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, तो उस हिसाब से मैंने चॉइस फिलिंग बना दिया है। तो आपको भी अगर ऐसे पर्सनलाइज्ड वे में चॉइस फिलिंग चाहिए तो काउंसलिंग हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना। सो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको पर्सनलाइज्ड वे में ऐसा चॉइस फिलिंग PDF मिल जाएगा, जैसे और एक स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, ऐसे हर एक स्टूडेंट को हम देते हैं। सो ये आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा एंड प्राइस भी सबसे मिनिमम है, सिर्फ 399 है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, आपको इधर IIM का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बार IIM WBJ के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आपको IIM में एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जादवपुर का लोअर ब्रांचेस सेंटर कर दूंगा, तो इधर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है एंड देन जादवपुर यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो पहले मैं सिविल एंटर कर देता हूँ, क्योंकि इसका रैंक ज़्यादा है तो बाकी ब्रांचेस तो इसको मिलेगा नहीं, तो पहले सिविल एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मेटलर्जी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंटर कर देता हूँ एंड देन फाइनली इधर फूड टेक्नोलॉजी। तो ये मैं एंटर कर दिया चार ब्रांचेस एंड लास्ट में प्रिंटिंग भी एंटर कर देता हूँ, क्योंकि इसको जादवपुर में ही जाना है अगर मिलेगा तो, बट मिलने के चांसेस कम है, इतने रैंक पर नहीं मिलता है जादवपुर। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरामिक टेक्नोलॉजी सियालदा, GCECT सियालदा का CSE एंड उसका IT एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेटर टेक्नोलॉजी, इसका CSE एंड देन मैकाओ का CSE। तो मैं ये मैं इंटर कर देता हूँ। ये सारे कॉलेजेस आपको इधर स्टेट गवर्नमेंट पे इसके अंडर मिल जाएगा। तो इधर जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरामिक टेक्नोलॉजी CSE पहले एंटर कर देता हूँ, फिर IT एंड देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेटर टेक्नोलॉजी, ये है CSE, इधर का एंटर कर दिया मैंने एंड उसके बाद मैकाओ का CSE। सो इस बार पता नहीं ये लोग क्या किया कि 5 मिनट बाद बार लॉग आउट हो जाएगा, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है, नहीं तो फिर फीस से स्टार्टिंग से आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं मैकाओ का CSE एंटर करूंगा, तो इधर से आप देख सकते हैं एम पे जाइए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इधर आपको दिख जाएगा मैकाओ, तो उधर का CSE मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IT एंड मैकाओ IT ये एंटर करूंगा। सो इसका IT मैं एंटर कर देता हूँ, तो फिर मैं फिर से मैकाओ में वापस जाता हूँ एंड देन उसका IT एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो इधर आपको सेव करते रहना है। तो ये मैंने भर दिया है। Top 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस टू FG कौन कौन से है, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। प्राइवेट कॉलेजेस का ऑर्डर ये रहा आपके स्क्रीन पे। सो इसमें से कोई भी कॉलेज में CSE में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, सो ये दो नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके आप बात कर सकते हैं एंड ये ऑफिस एड्रेस पे भी आप विजिट करके बात कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया से एडमिशन हो जाएगा। सो अगर आपका WBG में 40,000 50,000 के ऊपर रैंक है, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एंड नहीं तो अगर काउंसलिंग के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो ये दो नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सो 11 चॉइसेस मैं फिल कर चुका हूँ। इसके बाद मैं फिल करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सिरामपुर का CSIT एंड देन मैकाओ का इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इधर आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिरामपुर, तो इसमें जाके आपको CSE ऐड कर देना है एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड इसमें से कोई भी चॉइसेस को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो ऐसे करके आप लेके जा सकते हैं एंड नहीं तो फिर अगर नीचे लाना है तो ऐसे करके नीचे ला सकते हैं। तो सारे चॉइसेस भर दीजिए, उसके बाद जो प्रेफरेंस आपका ज़्यादा है, जैसे ये ब्रांच अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ऊपर कर दीजिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं ऊपर नीचे। सो ऐसे सिंपल वे में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अप डाउन करके, ये सारे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा, तो अप डाउन करके सिंपल वे में आप फिलअप कर लेना। तो इसके बाद मैं CSIT तक एंटर करते हूँ, इसके बाद मैं मैकाओ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करूंगा। सो इधर से मैं मैकाओ सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद कुछ और कॉलेजेस में दे रहा हूँ ताकि इसका राउंड 1 में कुछ आ जाए। सो इसके बाद मैं GCECT शियालदा सेरामिक टेक्नोलॉजी भर दूंगा एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का पॉलीमर साइंस एंड जूट फाइबर टेक्नोलॉजी, तो मैं ये सारे भर देता हूँ। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को दिख जाएगा, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आके मैं भर दूंगा पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देन जूट फाइबर एंड टेक्नोलॉजी।
तो ये तीन चॉइसेस मैंने भर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करते रहना है। एंड सेरामपुर का टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड सेरामपुर का भी अपैरल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये मैं भर दे रहा हूँ, ताकि राउंड वन में इसको कुछ सीट जरूर मिल जाए। तो ऐसे करके आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड देन अपैरल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो ये चॉइस हो गया इसका। वैसे तो इस रैंक पे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट क्योंकि इसको गवर्नमेंट में ही जाना था, ये फीस उतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया। ऐसे ही आपको अगर पर्सनलाइज वे में चॉइस फिलिंग ऑर्डर चाहिए, सो आपका जो भी रैंक है उस रैंक पे कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो मैं सब कुछ दे दूंगा। तो काउंसलिंग हेल्पडेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना। सो चॉइस फिलिंग इसका कंप्लीट हो गया। 20 चॉइसेस जो इधर है मैंने भर दिया है ऐसे सेम टू सेम। सो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन सेव एंड गो टू होम। तो आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका है एंड चॉइस लॉकिंग अभी नहीं खुलेगा, तो बाद में चॉइस लॉकिंग आप कर देना। एंड अभी आपको सिंपल चॉइस फिलिंग करके इधर से लॉग आउट कर लेना है। तो सो चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉग आउट कर दीजिएगा एंड काउंसलिंग हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको ऐसे पर्सनलाइज्ड वे में चॉइस फिलिंग वीडियो मिलेगा, आपका सारा डाउट क्लियर करा जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है एंड ऐसी यूजफुल वीडियोज इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।